ना एल्यूमिनियम सिम्बल इज ए एल उसका कलर सिल्वर ही वाइट होता है अटॉमिक नंबर इज थर्टीन कॉन्फिग्रेशन इज टू एट थ्री बैलेंस इज थ्री एंड उसका ओर जो होता है दैट इज बॉक्साइड जिसका फॉर्मूला है ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ एज पर योर टेक्सट बुक ना हमने ऑलरेडी लीचिंग के टाइम पर पढ़ा था कि फॉर द एक्स्ट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो कॉन्सेंट्रेशन मेथड होगा वो होगा लीचिंग मेजर गैंग जो ओर के साथ मिलते हैं वो होते हैं सिलिका मिट्टी फेरिक ऑक्साइड टिटेनियम ऑक्साइड ये गैंग को हमें सेपरेट करना है हमारे ऑक्साइड में से लीचिंग विल बी द मेथड लीचिंग करने के लिए हम दो केमिकल्स यूज कर सकते हैं एक होता है एनएओएच, जिसको हम कहते हैं बेयर्स मेथड जब हम एनएओएच यूज़ करेंगे फॉर एक्सट्रैक्शन, तो हमें कहेंगे उसे बेयर्स मेथड वेल एज अगर हमने एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया तो हम उसे कहेंगे हॉल्स मेथड अब समझते हैं पहले एक प्रोसेस दिमाग में पहले फिट करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम काम कैसे करेगा अगर हमारे पास एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि एक्सट्रैक्शन में हमें करना क्या क्या है क्या क्या प्रोसेस है तो हम उस प्रोसेस को फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो वॉट इज़ दी एम एम मतलब हमारा काम मतलब हमारे दिमाग में है क्या गोल क्या है हमारा सबसे पहले हमारे पास ओर और, और गैंग होगा तो हमें उसे सेपरेट करना है कौन सा मेथड यूज़ करेंगे लीचिंग का मेथड तो हमें मिलेगा प्योर ओर अब लीचिंग में होता क्या है लीचिंग में मान लो मेरे पास जो मेटल है वो है हमारा बॉक्साइड जो है वो है ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू साथ में इसके गैंग होगा गैंग हमने देखा क्या क्या गैंग होते हैं इसके साथ में हम इस पूरे मिक्सचर में इन दोनों के मिक्सचर में हम डालेंगे एन या तो फिर एन याद कीजिए दोनों प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं और दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होगा तो आप एन भी डाल सकते हो एन भी डाल सकते हो जब हम इन दोनों को डालेंगे इस पूरे मिक्सचर में तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे किसके साथ एल्युमिनियम के साथ मतलब बॉक्साइड के साथ गैंग के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो जो गैंग है वो वैसा का वैसा ही रहेगा वैसे जो बॉक्साइट है वो रिएक्ट करेगा एन के साथ या तो एन के साथ और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सोडियम एल्युमिनेट एन इसका मतलब जो मेरा एल्युमिनियम पहले बॉक्साइट में था अब वो बॉक्साइट से निकल के चला गया है किसमें सोडियम एल्युमिनेट में तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब मैं जो मेरा ओर है वो बॉक्साइट नहीं है बल्कि क्या है सोडियम एलुमिनेट है क्योंकि मेरा एलुमिनियम अब सोडियम एलुमिनेट में चला गया तो ये अब मेरा ओर है जिसमें से मुझे एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है ये जो कंपाउंड होता है ये पानी में डिजोल्व हो सकता है इट इज़ वाटर सोल्यूबल और गैंग जो है वो तो वैसा ही रहेगा सिंस ये वाटर सोल्यूबल है तो याद करो ये बन गया सॉल्ट ये बन गया सैंड सॉल्ट वाटर सोल्यूबल था सैंड वाटर इंसॉल्यूबल था गैंग सोल्यूबल नहीं होता है पानी में अब क्या होगा सॉल्ट जो है वो पानी के साथ सेपरेट हो जाएगा सोल्यूशन बन के और गैंग जो है वो अलग रह जाएगा क्या करेंगे हम फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद हमको क्या मिलता है ये जो सोडियम एलुमिनेट है ये पानी के साथ सेपरेट होकर निकल जाता है नाउ सोडियम एलुमिनेट अब हमारा कंपाउंड है जो हमको एल्युमिनियम देगा क्योंकि गैंग हमने उसमें से निकाल दिया तो बेसिकली हमने क्या किया गैंग और ओर को सेपरेट कर दिया ऑल हमारा ओर अब एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है ए के फॉर्म में नहीं है अब वो नए कंपाउंड के फॉर्म में है सोडियम एलुमिनेट के फॉर्म में बट और तो और है मेटल तो मिलेगा ना उसमें से तो नाउ वी हैव सोडियम एलुमिनेट अब इस सोडियम एलुमिनेट में से हम आगे का प्रोसेस करके उसमें से हम क्या निकालेंगे एलुमिनियम निकालेंगे वो कैसे होता है एक ब्रॉड आइडिया कैसे ये जो सोडियम एलुमिनेट है इसमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स डालेंगे जो कि सोडियम एलुमिनेट को किस में कन्वर्ट कर देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा ये एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम प्यार से एलुमिना भी बोलते हैं याद करो हमने जब सबसे पहले पढ़ा था तो हम यही कर रहे थे कि जो भी मेरे पास मेटल का ओर है हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे थे यहाँ पर भी हमने वही किया हमारा जो ओर था एलुमिनियम ऑक्साइड डॉट टू एच टू हमने उसको अल्टीमेटली ड्यूरिंग प्रोसेस क्या कर दिया ए एल टू ओ थ्री में कन्वर्ट कर दिया मतलब एलुमिना में कन्वर्ट कर दिया अब एक बार एलुमिना मिल गया तो आगे का प्रोसेस हमको पता है क्या होता है रिडक्शन क्यों वो ऑक्साइड है ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालो मेटल मिल जाएगा तो इसका जब हम रिडक्शन करेंगे कैसा रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एलुमिनियम तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज योर ब्रॉड आइडिया बिहाइंड हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट एलुमिनियम आई होप इट इज़ क्लियर नहीं समझाएं रिवाइंड करो पीछे जाओ दोबारा पढ़ो दोबारा से सुनो सब कुछ समझ में आ जाएगा एक दो बार में यह समझ में आ जाता है मोर इम्पॉर्टेंट समझना समझना तो बहुत अच्छी बात है इसको याद रखो क्योंकि एग्ज़ाम में कितना समझा कितना नहीं समझा वो पता नहीं चलता है कितना याद है कितना उसको लिख पाए हो वो इम्पॉर्टेंट है तो मेमराइजिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस आर द टू मेजर थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड वाइल यू राइटिंग एग्जाम शुरू करते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन सबसे पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन लीचिंग यूजिंग बेयर्स मेथड हम पहले तो उसको ग्राउंड करके मतलब उसको पाउडर कन्वर्ट कर देंगे जो भी हो रहा है हमारे पास बॉल मिल में डाल के ऐसी दिखती है बॉल मिल की मशीन इसमें हम किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको पाउडर में उसके बाद में हम लीचिंग करेंगे क्या डालेंगे उसके अंदर एन डालेंगे याद करो एन क्या करता है उसको सोडियम एलुमिनेट में कन्वर्ट कर देता है तो जो इस बासाइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एलुमिनेट में टेम्परेचर होता है वन टू वन डिग्री सेल्सियस का ये जो सोडियम एलुमिनेट है ये वाटर सोल्यूबल है तो जो भी बनेगा वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो हैंस वो गैंग से सेपरेट हो जाएगा तो बॉक्साइड था उसमें एन डाला तो क्या बन गया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस एच इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दोगे जो कि बहुत सिंपल बैलेंस है एक टू इधर एक टू इधर और एक थ्री इधर वो आप धीरे धीरे बैलेंसिंग सीखोगे तो समझ में आता जाएगा अब इस बैलेंसिंग के बाद आपको पता चलेगा कि अब हमारे पास गैंग नहीं है अब हमारे पास बचा है सिर्फ सोडियम एलुमिनेट पहली प्रॉब्लम ये है कि जो सोडियम एलुमिनेट है ये डिजोल्व है वाटर में इट इज डिजोल्ड इन वाटर पानी में डिजोल्व है तो अब हम क्या करेंगे इसमें और पानी डालेंगे और इसको कूल कर देंगे एट 50 डिग्री सेल्सियस सडनली ये 150 140 से 50 पे आ जाएगा और पानी डाल के इसको और डिजोल्व करेंगे डाइल्यूट कर देंगे हैंस जब इसमें और पानी ऐड होगा तो ये सोडियम एल्युमिनेट का बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रो एंड जो हमारा एन है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो हमें दोबारा से मिल जाएगा जिसको हम वापस अब नेक्स्ट प्रोसेस में दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट का बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रो इसको भी बैलेंस कर देंगे सिंपल बैलेंसिंग है तो मतलब बेयर्स प्रोसेस का जो एंड है वो हमें क्या देता है एल्यूमिनियम हाइड्रो आई होप ये स्टेप समझ में आया नहीं समझा दोबारा देखें समझ में आएगा दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है हॉल्स मेथड जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं लेकिन वो एक्वेस फॉर्म में होता है एनी ओ एच कॉन्सेंट्रेटेड था ये एक्वेस है पाउडर फॉर्म पहले करना पड़ेगा ओर का यूजिंग अ बॉल मिल जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट इसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सोडियम एलुमिनेट सोडियम एलुमिनेट इज अगेन वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल है मतलब वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा प्लस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा एक जो बनेगा वो होगा सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड अब ये जो सोडियम एलिमिनेट बना इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्योंकि सोडियम एलिमिनेट पानी में सॉल्यूबल है तो क्या करेंगे इसमें वापस से इसमें एच टू ओ और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे फर्दर इसको हम मिक्स रिएक्ट करवाएंगे एच टू और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये आपको दे देगा सोडियम कार्बोनेट जो कि हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो हमको एट दी एंड प्रोडक्ट वापस मिल गया जिसको हम वापस से री यूज़ कर सकते हैं एंड आपको मिलेगा एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड द सेम प्रोडक्ट जो आपको बेयर्स प्रोसेस में मिला था तो ये दो रिएक्शन हॉल्स मेथड के वो दो रिएक्शन बेयर्स मेथड के दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं बायहाट करने हैं बैलेंसिंग आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इनको अगेन मैं आपको रातों रात, रात चैंपियन या ऐसा कुछ ट्रिक बता दूँ आपके कान में ऐसा कोई मंत्र फूक दूँ कि आपको रिएक्शन बायहाट हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं भी नहीं और कोई भी नहीं एक ही तरीका है ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को बाय करने का तो वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन स्लैश वुमेन परफेक्ट डू इट ना जो ए एल ओ एच थ्राइस एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला दोनों प्रोसेस के एंड में उनको हम अराउंड थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे ये एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे रफली हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज एलुमिना में तो नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हीटेड अराउंड थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एल्यूमिना अब एलुमिना जो है वो क्या है ऑक्साइड uh, है ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का मेथड होता है रिडक्शन सो व्हाट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ एलुमिना बट ये रिडक्शन थोड़ा स्पेशल है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे याद करो जब हम रिएक्टिव मेटल्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है एल्यूमिनियम भी आता था उसमें तब मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं सेपरेट होगा उसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे लेकिन रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस सिमिलर होगा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का डायग्राम देखते हैं डायग्राम हाइली इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है तो डायग्राम बाय हार्ट कर लें याद करो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस में एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें हम दो रॉड डालते हैं ये दो रॉड क्या होते हैं एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर भी एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें दो की जगह तीन रॉड है लेकिन तीनों रॉड अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों रॉड की वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी से कनेक्टेड है मतलब तीनों के तीनों एनोड है कोई भी कैथोड नहीं है इन तीनों में से तो कैथोड किधर है नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर आ रही है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो जाती है अंदर जो लेयर है ना टैंक के अंदर जो लेयर है इस बड़े से टैंक के अंदर जो लेयर है उससे कनेक्टेड है मतलब यहाँ पर डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइसिस का ये है कि यहाँ पर एनोड और कैथोड जो है वो थोड़े अलग हैं एनोड जो है वो रॉड के फॉर्म में है लेकिन कैथोड जो है वो एक लेयर के फॉर्म में है जो कि टैंक के अंदर को कवर करती है इनसाइड ऑफ द टैंक इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ कैथोड टैंक स्टील का है जिसमें यहाँ से एक आउटलेट है जो आउटलेट एल्यूमिनियम को करेक्ट करने के लिए अब एल्यूमिनियम बनेगा कैसे याद करो हमने बताया था कि एन जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था इलेक्ट्रोलाइसिस से तो हमने उसको मेल्ट किया था एट डिग्री सेल्सियस पे फिर उसको हमने कंटेनर में डाला था वैसे एलुमिना को भी आपको मेल्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एलुमिना का प्रॉब्लम है कि एलुमिना का बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 2000 थाउजेंड डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी हाई इतना हाई टेम्परेचर अटेन करना डिफिकल्ट है और उस पर प्रोसेस करवाना और डेंजरस हैंस हमें सबसे पहले इस मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा टू है तो थोड़ा कम करके इसको हम थाउजेंड पर लेके आएंगे कैसे बाई एडिंग सम केमिकल्स नोन एज क्रायोलाइट एंड फ्लोर इफ़ यू कैंसी क्लायो क्रायोलाइट एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स एंड फ्लोर स्पार आर द टू केमिकल्स जिनको हम यूज़ करेंगे फ्लोर स्पार का फार्मूला सी ए एफ़ टू ये दो केमिकल्स क्या करेंगे टेम्परेचर को थाउजेंड से कम करके ले आएंगे सॉरी टू थाउजेंड से कम करके ले आएंगे थाउजेंड डिग्री सेल्शियस पे ऑलमोस्ट हाफ कर देंगे थाउजेंड डिग्री सेल्शियस का टेम्परेचर अटेन करना थोड़ा ईजी है एज कंपेयर टू टू थाउजेंड डिग्री सेल्शियस हैंस अब मेल्ट करेंगे हम जब एलूमिना को तो उसमें एलुमिना नहीं होगा साथ में क्रायोलाइट और फ्लोरसपार का भी मिक्सर होगा ऑल ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार इस रिएक्शन में मेजर फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमको उनका रिएक्शन याद रखने का ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ एलुमिना का ही रिएक्शन देखेंगे क्योंकि हमारे काम का वही है वो क्या करते हैं रिएक्शन में कैसे रिएक्ट करते हैं क्या होता है अंदर प्रोसेस में वो हमारे काम का नहीं वॉट हैपन्स टू एलुमिना एलुमिना मोल्टन फॉर्म में है इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम जैसे करंट ऑन करेंगे तो Al2O3 जो है Al2O3 स्प्लिट हो जाएगा किस में एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे अब यह आयनिक कंपाउंड है तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव ऑक्साइड पर चार्ज होगा माइनस एल्यूमिनियम का चार्ज होता है प्लस थ्री ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस टू आई होप ये आपको लास्ट ईयर से याद होगा जिसमें हम क्रिस क्रॉस मेथड से आयनिक कंपाउंड्स बनाते थे तो इसका थ्री इसका टू मिलके बन जाता है ए एल टू थ्री तो एनोड पे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड इज पॉजिटिव रॉड तो पॉजिटिव रॉड पे कौन जाएगा नेगेटिव आयन मतलब एनोड पे जाएगा कौन ओ टू माइनस तो यहाँ पर मिक्सर में ए एल प्लस भी है एल थ्री प्लस भी है ओ टू माइनस भी ओ टू माइनस भी है तो ये ओ टू माइनस जाएगा एनोड पे, अपोजिट अट्रैक्ट्स उसका रिएक्शन होगा कुछ ऐसा कि जब ऑक्सीजन ओ टू माइनस जाता है एनोड पे, अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है और बन जाता है ओ टू गैस अगर दो ऑक्सीजन बनेगा ओ टू बनेगा मतलब दो ऑक्साइड आयन होना चाहिए दो ऑक्साइड आयन कितना एक ऑक्साइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना उसके ऊपर टू माइनस चार्ज है तो जब एक ऑक्साइड आयन एनोड पे जाएगा तो अपना दो इलेक्ट्रॉन दे, दे देगा वो एनोड को तो ऐसे अगर दो ऑक्साइड आयन जाएंगे तो वो टोटल चार इलेक्ट्रॉन देंगे उस एनोड को और दो ऑक्साइड आयन साथ में जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो दो ऑक्सीजन मिलके बन जाता है ओ टू मतलब इस बार एनोड से मुझे जो गैस निकलती हुई दिखाई देगी वो कौन सी गैस होगी ऑक्सीजन की गैस होगी एनोड से जो गैस इवॉल्व होगी दैट विल बी ऑफ ऑक्सीजन गैस सिमिलरली कैथोड जो हमारा नेगेटिव रॉड है उस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज आई ऑन डेट इज एलुमिनियम एल्युमिनियम थ्री प्लस है थ्री प्लस मतलब तीन इलेक्ट्रॉन कम और कैथोड मतलब नेगेटिव रॉड मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है सो कैथोड विल गिव थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू दी एल्यूमिनियम थ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम लेके बन जाएगा एलुमिनियम सॉलिड मतलब मेटल अब ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा ये जो एलुमिनियम होगा ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर पे एलुमिनियम हमको मोस्टली मोल्टन फॉर्म में ही निकलेगा नीचे से बाहर अब जो कैथोड है वो पूरा लाइनिंग पे मतलब अंदर का पूरा लाइनिंग पे कैथोड है तो मतलब हर जगह से यहाँ से एलुमिनियम ऐसा मेल्ट होकर नीचे नीचे गिरता जाएगा और यहाँ पर जो आउटलेट है उसमें से वो बाहर आ जाएगा आई होप द एंटायर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस इज क्लियर रिएक्शन्स दीज टू हाईली इंपॉर्टेंट नहीं समझा रिवाइंड करो देखो दोबारा प्रैक्टिस करो अब एक्सरसाइज में देर इज अ क्वेश्चन दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनिया क्वेश्चन नंबर नाइन क्या इफ यू सी डी क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनिया इज डन यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन अब केमिकल इक्वेशन के साथ में अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे, दे देंगे तो भी चलेगा वरना अगर एक मार्क के लिए आता है तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखो दैट इज ये वाला बट ट्राई करो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखो तो थोड़ा एक्सप्लेन दो चार लाइन में कर दो तो आपका ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगा बट हाँ थोड़ा मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाएगा और इम्प्रेशन भी अच्छा बनता है क्वेश्चन नंबर फाइव दर इज अनादर क्वेश्चन विच ई वन दे आस्क कि एनोड्स को बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एलुमिन के टाइम पे रीजन क्योंकि एनोड्स में से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है और जो रॉड्स हैं वो बने हैं ग्रेफाइट के कार्बन रॉड्स ये जो रॉड्स हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंस ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो कोरोड होने लगते हैं इरोड होने लगते हैं खराब होने लगते हैं इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस दीज रॉड्स आफ्टर सम टाइम क्वेश्चन नंबर टेन आर आस्किंग यू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एवरी गिवन ऑप्शन आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पहला स्टेटमेंट आपको ये स्टेटमेंट यूज करके आंसर देना है क्या इन्ग्रीडियंट्स एंड गैंग इन बॉक्साइड तो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वॉट आर द इनग्रीडियंट्स एंड गैंग इन द बॉक्साइड तो आपको यहाँ लिखना है कि इनग्रीडियंट्स आर ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ एंड गैंग इज एस आई ओ टू वो टिटेनियम ऑक्साइड एंड स्टफ सेक यूज ऑफ लीचिंग ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर लीचिंग हम कैसे यूज करते हैं ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर तो आपको ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम फिर आगे आंसर लिखना है कि कैसे हम लीचिंग को यूज करते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब लीचिंग के ऊपर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है तो लीचिंग के मेथड आपने देखे दो मैथड हैं दो मैथड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं थर्ड वट आर द ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वट आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉक्साइड इंटू एल्यूमिनिया बाय हॉल्स प्रोसेस मतलब बॉक्साइड से लेके बॉक्साइड से लेके एल्यूमिना बनने तक कौन सा प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है बॉक्साइड से एल्यूमिनियम हॉल्स मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है लास्टली एल्यूमिनियम एल्युमिनियम का जो ओर है दैट इज बॉक्साइड जब हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक सोडा मतलब एन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एनिम कॉस्टिक सोडा के साथ जब हम उसको ट्रीट करते हैं रिएक्ट करवाते हैं हीट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है आपको वो बताना है मतलब ये है हमारा बेयर्स प्रोसेस तो आपको ये सारे आंसर ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं वहां से आप कॉपी कर सकते हैं लिख सकते हैं योर चॉइस अब पास्ट में 2014 मार्च में पांच मार्क का क्वेश्चन आया था क्या था क्वेश्चन नेम द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड राइट द कैथोड एनोड रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम राइट द फंक्शन एंड फॉर्मूले ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम क्रायोलाइट का फॉर्मुला और फंक्शन क्या होता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में वो लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमने देखा एंड ड्रॉ द डायग्राम फॉर एक्स्ट्रैक्शन ऑफ एलुमिना एलुमिनियम का एक्स्ट्रैक्शन के लिए जो डायग्राम है डायग्राम एक ही है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रोडक्शन का आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये पाँच मार्क के लिए चार क्वेश्चन आए थे आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करने थे सारे आंसर्स हमने ऑलरेडी देख लिया टू थाउजेंड सिक्सटीन मार्च का क्वेश्चन है मेन ओर ऑफ़ एलुमिनियम एक मार्क के लिए तो आपको पता होना चाहिए ओर ऑफ एलुमिनियम क्या है अब सेंस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नाम या न ना, फॉर्मूला लिखो तो आप दोनों लिख के आओगे अगर मैंशन करते सिर्फ नाम लिखो तो हम सिर्फ नाम लिखते हैं बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए नाम बोले और बोले हम दोनों लिख के आ जाए तो सेफ साइड में रहेंगे मार्च 2017 में एक क्वेश्चन आया था पाँच मार्क के लिए अगेन सेम इसी पे ऊपर वही सेम क्वेश्चन जो 14 में आया था सिमिलर क्वेश्चन मतलब लास्टली इन जुलाई 2019 थाउजेंड नाइनटीन तीन मार्क के लिए क्वेश्चन आया था एनोड्स नीड टू तो बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू तो टाइम ड्यूरिंग तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एलुमीना वो भी हमने आंसर थोड़ी देर पहले देखा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था लास्टली अगर हमारे पास मेटल आ भी जाता है जो हमारा मेटल प्योर होगा कि नहीं होगा जिसका हमें कोई पता नहीं जैसे मेरे पास कॉपर का मेटल है कॉपर का मेटल अब हो सकता है ये प्योर हो, हो सकता है ये इमप्योर हो इसमें अभी भी कुछ कचरा कुछ मिट्टी कुछ इंप्योरिटीज़ बाकी हो तो वो निकालने के लिए हम जो लास्ट स्टेप करेंगे उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स ताकि हमें प्योर मेटल मिले और ये हम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे स्टेट बोर्ड सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि करते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक्स क्या बोलते हैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे अगेन डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारा स्टेट बोर्ड उतना ही हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लेंगे कंटेनर में एक सल्यूशन होगा सोल्यूशन होगा एक सॉल्ट का सल्यूशन वो सॉल्ट जो मेरा सॉल्ट होगा वो उस मेटल का सॉल्ट होगा उस मेटल का सॉल्ट होगा जिस मेटल को मैं प्योर कराना चाहता हूँ जिसका मैं रिफाइनिंग करवाना चाहता हूँ तो अगर मैं कॉपर का रिफाइनिंग करवाना चाहता हूँ तो ये जो सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का होगा मतलब ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन जो कि उसी मेटल का हो अब एक एनोड और एक कैथोड जो एनोड है उस पर हमेशा मैं अपना इमप्योर कॉपर का मेटल लगा दूंगा ये इमप्योर मेटल है बर एज कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा उस पर मैं एक पतला सा कॉपर का मेटल लगा दूंगा लेकिन वो कैसा होना चाहिए प्योर मेटल होना चाहिए तो प्योर इज योर कैथोड एंड इमप्योर इज योर एनोड अब जब मैं करंट ऑन करूंगा प्रो, प्रोसेस चालू होगा हो तो क्या होगा इस इमप्योर कॉपर में से कॉपर के आयन जाएंगे सोल्यूशन में और इस सोल्यूशन में से कॉपर के आयन जाएंगे मतलब कॉपर का आयन मेटल बन के चला जाएगा कैथोड पे तो मेरा जो प्योर मेटल था उसके ऊपर अब मुझे और प्योर मेटल का लेयर मिलेगा वो प्योर मेटल का लेयर कहाँ से आया इस सोल्यूशन में से आया और सोल्यूशन में कॉपर कहाँ से आ रहा था इस इमप्योर मेटल में से सोल्यूशन में कॉपर जा रहा था कॉपर so, सोल्यूशन में जा रहा है फ्रॉम एम्प्योर मेटल और सोल्यूशन में से कॉपर जा रहा है ऑन द प्योर मेटल अब जब इम्प्योर मेटल में से कॉपर निकल रहा है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ इम्प्योरिटी अब वो इम्प्योरिटी अगर इस सोल्यूशन में सोलिबल होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा इन सोलिबल होगा तो नीचे यहाँ पर दिख जाएगा वो नीचे यहाँ पर गिरता जाएगा सेटल हो जाएगा दिस प्रोसेस इज हाउ मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस अब रिफाइनिंग के और भी मेथड है बस हमें सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस ही बताया हुआ है इसके साथ हमारा मेटलर्जी टॉपिक खत्म हो जाता है हमने मिनरल ओर कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मॉडरेटली सब खत्म कर दिया है तो चैप्टर के पांच पार्ट में से चार पार्ट खत्म हो गए मेजर पार्ट मेटलर्जी वो भी ख़त्म हो गया है अब बचाए कोरोजन एंड प्रिवेंशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टिल देन प्लीज़ प्रीवियस पढ़ते रहिए और आगे के वीडियोज़ देखते रहिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल आल सी नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो ऑन द सेम टॉपिक सी बाय बाय